सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपनी बाइक में से मैक्सिमम एवरेज निकाल सकते हो। तो हाईवे को टच करना है बस, थोड़ा सा ही ऑफ रोड पैच है देन ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि अपना एवरेज फ्यूल कंजप्शन है वो है 38 किलोमीटर पर लीटर। ये कम है, डोमिनार आपको 43 तक का एवरेज निकाल के दे सकती है, डोमिनार इतनी कैपेबल है। तो अच्छा यही होगा कि आप मैक्सिमम एवरेज निकालने की कोशिश कर सकते हो, कभी कभी फन भी कर सकते हो। तो मैं आपको एक 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 पॉइंट डिस्क्राइब करूँगा अच्छे से कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, कि आपको अपनी बाइक को हमेशा एयर प्रेशर चेक रखना है। मतलब कंपनी रिकमेंडेड एक एयर प्रेशर होता है, उस पर गाड़ी आपकी होनी चाहिए हमेशा हमेशा। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि जैसे डोमिनार में मैं हमेशा कुछ 32 एंड 35 रखता हूँ, आगे 32 एंड पीछे 35, इस तरीके से कुछ रहता है मेरा। बाकी हर एक बाइक का अलग अलग होता है, तो आप उसको देख सकते हो, चेक कर सकते हो देन। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट ये होता है कि आप इसको लाइट थ्रोटल दो। जैसे अब मैं चला रहा हूँ ठीक है, सिक्स्थ गियर सबसे मैक्सिमम गियर में रखो एंड देन आप इसको ऐसे सडनली ऐसे पुल मत करो, इससे एवरेज बहुत गिरता है। आपको नॉर्मल रखना है एंड ना आपकी बाइक बहुत अच्छा एवरेज निकाल के देगी। जैसा 38 दे रही है ना अभी फिलहाल, ये और भी दे सकती है, आप इसे और भी ले सकते हैं एवरेज, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बढ़िया बाइक है। ये तो हो गया दूसरा पॉइंट कि आपको थ्रोटल एकदम जेंटल देना, एकदम मक्खन की तरह बिल्कुल प्यार से, ना कि उसको पूरा खेल देना एक बार में, कान नहीं मरोड़ना है, प्यार से थ्रोटल देना एकदम प्यार से। ये तो हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, चेन एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है इसके अंदर, बाइक के अंदर। तो सिंपल सी बात है, अगर आप चेन को अच्छे से रखो, चेन ल्यूब और वो होनी चाहिए अच्छे से, वो भी अच्छे से मेरा मतलब है काफ़ी अच्छे से। अगर आप चेन को ल्यूब रखोगे, क्लीन रखोगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओरिंग्स क्लियर रहेगी, जंग नहीं लगने देनी है चेन के अंदर, तो इससे आपका एवरेज अच्छा आ सकता है। ये तो हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कि आप अपनी बाइक को कोशिश करो कि यार मैक्सिमम गियर में चलाओ यार, क्या कि आप छोटी गियर में गाड़ी चलाओगे देन पुल करोगे ना, तो उससे एवरेज कम हो जाता है। तो आप इसको कोशिश करो कि जैसे मैं अपनी डोमिनार में एक चीज़ करता हूँ, थर्ड गियर 30 की स्पीड, फोर्थ गियर 40 की स्पीड, फिफ्थ गियर 50 की स्पीड, सिक्स्थ गियर 60 की स्पीड, जो भी चल रही है आप देख सकते हो, सिक्स्थ गियर है ना 60 की स्पीड चल रही है, तो उसको चलाते रहो आराम से। कोई नहीं है ना, कोई बाइक आवाज़ कर रही है ना कुछ कर रही है, सब बढ़िया है, आपको बहुत अच्छा एवरेज निकलने वाला है। मैंने 42 भी निकाला हुआ है काफ़ी सारी वीडियोज़ के अंदर, तो अगर आप देखोगे ना मेरी वीडियोज़ अच्छे से, तो आपको पता चलेगा कि यार 42 का एवरेज तक निकाला हुआ है मैंने, कुछ आके लगा हेलमेट में अपने भाई। तो ये है पॉइंट्स, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, आपको इनका ध्यान रखना है ठीक है। और एक चीज़, छोटी मोटी चीज़ जो अपनी बाइक के साथ करता हूँ कि क्लीन रखता हूँ मैं, टायर अच्छे से सही रखता हूँ, टायर ठीक ठाक एकदम, पेट्रोल वेट्रोल ठीक, और थ्रोटल जेंटल रखना है बस ठीक है। ये काफ़ी सारी पॉइंट्स है, अगर आप इनको फॉलो करोगे ना, तो यार मैं बता नहीं सकता कि आपकी बाइक आपको कितना अच्छा एवरेज दे सकती है, कितना अच्छा मतलब कितना अच्छा, आपको एक बार को लगेगा यार कि बाइक इतना भी दे सकती है एवरेज। क्योंकि यूट्यूब पे जाओगे तो लोग बहुत कम एवरेज निकालते हैं ठीक है, कैमरा चेक कर लेते हैं एक बार चलो। तो यूट्यूब पे जाओगे तो लोग के बाइक में से काफ़ी कम एवरेज आता है, कई बार काफ़ी के ज़्यादा भी आता है। तो अगर आप ये सारी प्रैक्टिस करोगे ना ये चीज़ें अच्छा, तो आपकी बाइक बहुत अच्छा एवरेज देगी। और एक चीज़ और कि रेस को, स्पीड को, थ्रोटल को कांस्टेंट रखो, मतलब कांस्टेंट से जैसे 60 है ना, तो कोशिश करो कि 60 पे ही क्रूज़ करते रहो आप, ना कि उसको बढ़ाओ ना उसको कम करो, जैसे जैसे कम कर दिया नहीं यार ऐसे नहीं होगा, ऐसे तो एवरेज नहीं आएगा, फिर गाड़ी ऊपर नीचे होती रहेगी। तो इस तरीके से करो, क्लच में नहीं चलाना है, डिस्टर्ब हो जाता है, क्लच ख़राब हो जाता है, तो अच्छा ये होगा रेस में चलाओ लेकिन उसको कांस्टेंट रखो, 56 है तो 56 ही चलाओ, 60 चला रहे हो तो 60 चलाओ, 66 गलत बोल दिया मैंने, अगर 60 चलाओ तो 60 चलाओ। तो इस तरीके से बाइक चलाओ, आपकी बाइक आपको बेस्ट एवरेज निकाल के देगी जितना उसके अंदर कैपेसिटी है। बाकी डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के अंदर कि आपने बाइक में ऑयल कौन सा डाला है, आपने कूलेंट कैसा रख रखा है अपनी बाइक का, इंजन की हेल्थ कैसी है आपकी। जैसे अभी मेरे बाइक में डाल रहा है कैस्ट्रोल मोटोल,
पहले मैंने मोटरोल ट्राई किया एंड देन कैस्ट्रोल चल रहा है। कैस्ट्रोल ठीक है, मैं तो अच्छा नहीं बोलूँगा कैस्ट्रोल को, क्योंकि मुझे मोटरोल ज़्यादा अच्छा लगा। कैस्ट्रोल से थोड़ी वाइब्रेशन आ गई है एंड देन मुझे कैस्ट्रोल थोड़ा इतना पसंद नहीं आया पर्सनल, ठीक है। बाकी आप पर अलग हो सकता है, आपकी चॉइस अलग हो सकती है, आपका मतलब क्या बोलते हैं यार उसको, आपका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है इंजनल के साथ। तो मैं ऐसे करता हूँ, जरूरी नहीं आपको भी ऐसा करना चाहिए, लेकिन ऑयल के लिए। बाकी अगर पॉइंट्स आप एक 1-to-1 अगर आप फॉलो करोगे ना, तो यार बेस्ट एवरेज आने वाला है, मैं सच बता रहा हूँ। इतना एवरेज तो नहीं देती होगी लोगों की बाइक जितना कई बार मैं निकाल देता हूँ। तो यही पॉइंट्स थे, तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, क्योंकि मैंने खाटू श्याम जी के अंदर बहुत ज़्यादा एवरेज निकाला था, कुछ 500 तो नहीं यार, कुछ 500 के आसपास भी राइड हो गई थी। तो मैं वो क्लिप ऐड कर दूंगा, उस अंदर आप एवरेज दे सकते हो। 36 दिखा रहा है, लेकिन 36 नहीं आया था एवरेज, 37 आया था, क्योंकि सिटी के अंदर जाके एवरेज गिरा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा केड़ा ट्रैफिक था भाई, केड़ा ट्रैफिक था। लेकिन मैंने इतना तगड़ा एवरेज निकाला ना बाइक से यार, मैं क्या बताऊँ। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बाइक के साथ आप ये पॉइंट्स अच्छे से फॉलो करो, और आपकी बाइक बेस्ट एवरेज निकालेगी। बेस्ट मतलब बेस्ट, इससे अच्छा एवरेज आपकी बाइक किसी और की बाइक से ज़्यादा एवरेज निकाल दे। क्या है कि राइडिंग स्टाइल भी डिपेंड करता है कि आप कैसे चलाते हो, गियर शिफ्ट कैसे करते हो। अगर आप गियर शिफ्ट 10,000 RPM ले जाके पूरा खींच के करोगे तो एवरेज नहीं आएगा, अगर आप पहले गियर शिफ्ट मार दोगे तो अच्छा है, ताकि आपकी बाइक हमेशा मैक्सिमम एवरेज पर रहे। तो यही सारे पॉइंट्स थे, इनको अच्छे से फॉलो करो और वीडियो को अच्छे से पूरा देखो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपकी एवरेज डेफिनेटली बढ़ने वाली है इससे, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो कोई भी पार्ट, या फिर कुछ भी आपको क्वेरी हो तो। मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड बाय बाय, सब्सक्राइब।